पहले तो भरोसा ही दौलत है, इस बारे में कुछ कहना चाह रहा था। भरोसे के चलते हमराज महाराज हो गए, भरोसे के चलते हमराज महाराज हो गए, और फिर महाराज से परम पूज्य श्री गिरिराज हो गए, फिर बनकर गिरिराज पूजा तो करवाते ही रहे, फिर चुपचाप से चालबाज और धोखेबाज हो गए, फिर चुपचाप से चालबाज और धोखेबाज रह गए, फिर सोते ही उसी कातिल ने, मेरे सोते ही उसी कातिल ने किया खून मेरे ही भरोसे का, और खुद की निगाह में वो जाबाज हो गए। आज के समय की ये छोटी सी कविता। इसके बाद अनुराग जी के लिए कुछ लिखा था, हालांकि इनका कहना था कि 2 मिनट, अब जितने समय में समाप्त हो जाए मैं कोशिश करूंगा। मेरी राम कहानी और मेरी ही जुबानी। सुधी श्रोताओं में मनोज श्रीवास्तव जी बैठे हैं, सुधी श्रोताओं में हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, सुधी श्रोताओं में गुरजीत बैठे हैं, सुधी श्रोताओं में शारदी व्यक्तित्व वाले शरद भाई बैठे हैं, अनुराधा जी बैठी हैं। और यदि मंच की बात करूं तो निश्चित तौर पर मंच पर यदि किसी से मैंने प्रेरणा ली है तो मेरे चिकित्सा क्षेत्र के डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से ही प्रेरणा ली है। मैं उनका एकलव्य हूं। और दादा धूमकेतु की यदि बात करें, हाँ डॉक्टर सक्सेना, मैं आपका सच में एकलव्य हूँ। आपकी मूर्ति को सामने रखकर साधना करता रहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप गुरु दक्षिणा में मुझसे अंगूठा नहीं मांगेंगे। और धूमकेतु जी के बारे में बात करें तो एक तरफ फायरिंग और दूसरी तरफ मंच पर भी कहीं ना कहीं इनकी वायरिंग लगातार कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। मेरी राम कहानी मेरी ही जुबानी, जिसमें अनुराग जी का या अनुराग शब्द का मैंने कहीं ना कहीं समायोजन किया है। बचपन से ही मैं धीरे धीरे पक रहा हूं, बचपन से ही मैं धीरे धीरे पक रहा हूं, और दुनिया भी मुझे बेरहमी से मार कर मार मार कर रोज पका रही है। बचपन से ही मैं धीरे धीरे पक रहा हूं, और दुनिया भी मुझे बेरहमी से मार कर मार मार कर रोज पका रही है। उम्र 60, मैं अपनी भी बात करूं, 60 60 मतलब उम्र सठियाने की नहीं है। सठियाने की उम्र में मैं समझदार हो गया हूं, सठियाने की उम्र में मैं समझदार हो गया हूं, और समझदार होकर अब मैं थोड़ा बहुत असरदार और दमदार हो गया हूं। थोड़ा बहुत असरदार और दमदार हो गया हूं। अब आगे क्या, उम्र का एक पड़ाव है, अब इसके आगे क्या बताऊं आपको अनुराग जी। लठियाने की उम्र में अब मैं सठियाऊंगा। पहले सठिया जाता फिर लठियाता है। लठियाने की उम्र में अब मैं सठियाऊंगा, फिर खटियाने की उम्र में ही, मतलब जब आदमी खाट पकड़ लेता है, फिर खटियाने की उम्र में ही दौड़ने के लिए लठियाऊंगा, जिंदगी को पीछे धकेलता रहूंगा। लठियाने की उम्र में अब मैं सठियाऊंगा, और फिर खटियाने की उम्र में दौड़ने के लिए मैं लठियाऊंगा, और देखना आप सबके साथ पैदल ही लठियाते लठियाते उस लाला के पास चला जाऊंगा। देखना मेरे यारों, मेरी 7 पीढ़ी इसे देखेगी, और मैं 100 से भी ज्यादा जीकर बताऊंगा, और मैं 100 से भी ज्यादा जीकर बताऊंगा। ये अनुराग जी के लिए मैंने लिखा था। एक और छोटी सी संक्षेपिका की अनुराग जी से मैं सहमति चाहता हूं। उम्र के साथ मेरी बढ़ती हुई समझ मुझे मौन करती गई। उम्र के साथ मेरी बढ़ती हुई समझ मुझे मौन करती गई, फिर मैं पलटा, क्योंकि मेरे कवि हृदय ने शोर जो मचा दिया था। एक चंचल चितवन मन की चोर मुझे इश्क की दरिया में डुबो गई। फिर मैं पलटा, अब मेरे हृदय में कवि ने ठोर बना दिया। उम्र के इस पड़ाव में भी कमबख्त इश्क पैर कांपते पैरों के साथ हिलोरे लेता है।
उम्र के इस पड़ाव में भी कमबख्त इश्क कांपते पैरों के साथ हिलोरे लेता है, ये कातिल मन कमबख्त कब बूढ़ा होता है। अब तो सफेद बाल भी चांदी काटते हैं, अब तो सफेद बाल भी चांदी काटते हैं, बस चांदी भर हो आपके बाह में आपके हाथ में। गंजा सर भी चमकीला दिखाई देता आजकल, चेहरे की झुर्रियां मखमल की दरारें समझ आती हैं। ये अनुराग नहीं, ये अनुराग तो कटीला और पथरीला होता है, अब कांटों के बीच में ही तो यार का प्यार रंगीला होता है। लेकिन ये अनुराग, इस अनुराग से जुदा न होना है मेरे दिल, इस अनुराग से जुदा न होना मेरे दिल, इस अनुराग का राग ही तो रंगीला और रसीला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार करता हूं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।